एक भरतपुर मार्ग पर राजस्थान लोक परिवहन सेवा की बस का संतुलन बिगड़ने से खेत में कूदी बस में एक दर्जन से अधिक यात्री हुए घायल। घायल यात्रियों को 108 की सहायता से उपचार के लिए कुम्हेर चिकित्सालय पहुंचाया गया। बस में बैठे यात्री ने दी जानकारी। बस चालक तेज गति से ले जा रहा था बस को भरतपुर। बस का अचानक संतुलन बिगड़ा जिसके कारण टायर फट जाने से हादसा हुआ। बस में क्षमता से अधिक सवारियां भरी हुई थी। वहीं डिग जिला कलेक्टर श्रुति भारद्वाज ने घटना की जानकारी ली। मौके पर पुलिस 108 एम्बुलेंस पहुंची और चालक कंडक्टर मौके से फरार हो गए। डिग कुमेर चकमीना गांव के पास की पूरी घटना है। ड्राइवर खा गया ये लोग पर वैन में सफर करने हम भरतपुर जा रहे थे सर। इतनी स्पीड में चला रहे से तो मैं पीछे रोडवेज जाएगी तुम्हें गोरे सवारी ले जाओ मेरे लोग रोडवेज वालों इसलिए हाई स्पीड में चला रहे हैं पीछे बैठो पैर में लग गई कमर में लग गई और एक बाबा मेरे सामने मेरे साथ खड़े हो खड़े सवारी जो उनके सबके लगी आगे शीशा में कर सब निकल गए।